जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आर्मी की सीएचडी कैंटीन के थ्रू कार लेना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, आप अपनी सर्विस में कितनी कार ले सकते हैं, आपका पे लेवल कितना है तो आप कितने सीसी या फिर कितने रुपये तक की कार ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो आपके लिए दोस्तों, अगर ये एलिजिबिलिटी देखनी है खुद तो आप afd.chdindia.gov.in पे विजिट करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप खुद ये पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर ये एलिजिबिलिटी अपडेटेड एलिजिबिलिटी है। ठीक है, यहीं से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद में आपके लिए यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। फिर आपको जो है वो शॉप नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी यहीं पर दी हुई है। ठीक है, चलिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम कर लेते हैं क्लिक। जैसे ही हमने दोस्तों इस पर क्लिक किया, हमारे सामने पूरी की पूरी जो है वो डिटेल खुल के आ चुकी है कि अगर हम सीएचडी के थ्रू कार लेना चाहते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है ये आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल सर्विंग एंड रिटायर्ड एंड विडोज इफ एप्लीकेबल पे लेवल 1-5। तो अगर आप दोस्तों सर्विस कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं या फिर आप विडो हैं और आपकी जो पे लेवल है वो 1-5 है। ठीक है, तो 1-5 पे लेवल होती है वो हवलदार तक होती है। ठीक है, 6 जेसीओस स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पे लेवल 1-5 है, यानी कि आप ओआर रैंक में सर्विस कर रहे हैं, तो आपके लिए पेट्रोल और डीजल की कार लेने की जो लिमिट है वो है दोस्तों 8 लाख रुपये। ठीक, उसके बाद में अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो ये लिमिट 8 लाख से बढ़कर 13 लाख हो जाती है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस इन बोथ केसेस। उसके बाद में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। फर्स्ट कार व्हाइल इन सर्विस एंड सेकंड कार आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर आपका पे लेवल 1-5 है तो फर्स्ट कार आप ले सकते हैं सर्विस के दौरान, सेकंड कार ले सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट कार आफ्टर मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो आप जो पहली कार लेंगे अपनी सर्विस के दौरान, तो आपकी सर्विस 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी सर्विस 5 साल, उसके बाद ही आप कार ले पाएंगे। गैप बिटवीन परचेस ऑफ टू कार्स टू बी 8 ईयर्स। ठीक है, एक आपने कार ले ली सर्विस के दौरान और सेकंड कार आप लेने जा रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड कार लेने के बीच में आपका जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 8 साल का। ठीक है, 8 साल का गैप है तभी आप इसको ले पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे 2023 चल रही है, 2022 में आपने क्या किया, एक कार ली सर्विस के दौरान और आप 2025 में हो जाते हैं रिटायर, तो 2025 में आप चाहें रिटायर के बाद तुरंत कार लें तो नहीं मिलेगा आपको, 8 साल का जो है वो गैप होना जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट परचेस। ठीक है, फॉर विडोज इफ द लेट हस्बैंड हैड परचेस्ड ए कार ईच वाइल इन सर्विस एंड आफ्टर रिटायरमेंट देन द विडो विल नॉट बी एलिजिबल टू बाई ए कार। तो दोस्तों, अगर कोई विडो है और वो कार लेना चाहती हैं और उनके हस्बैंड ने एक कार सर्विस के दौरान, एक कार सर्विस के बाद में, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट ले रखी है, तो वो जो विडो है उनके लिए कार लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। इन केस लेट हस्बैंड हैड परचेस्ड ओनली 1 कार व्हाइल इन सर्विस देन विडो कैन बाई 1 कार थ्रू सीएचडी आफ्टर ए गैप ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट परचेस। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा होता है कि जो लेट हस्बैंड हैं उन्होंने एक कार सर्विस के दौरान खरीदी थी और उनकी जो विडो है वो अभी कार फिर से खरीदना चाहती हैं, तो वो कार को खरीद सकती हैं, लेकिन जो गैप है वो पहली कार के और इस कार के बीच में खरीदने के लिए 8 साल का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं दोस्तों जेसीओस के केस में। तो अगर आपका पे लेवल 6-9 है, रिटायर विडो या फिर सर्विंग आप कुछ भी हैं, तो आपकी जो कार लेने की लिमिट है दोस्तों वो है 10 लाख पेट्रोल और डीजल कार के लिए, और अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो आपकी लिमिट हो जाती है दोस्तों 15 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए जो है वो बढ़ जाती है।
आगे चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट कार एज एन ओ आर, सेकेंड कार ऑन प्रमोशन एज ए जेसीओ एंड थर्ड कार आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर आप दोस्तों इस समय जेसीओ हैं या जेसीओ बनके रिटायर हुए हैं, तो आप अपनी सर्विस के दौरान दो कार प्लस एक कार आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट कार एज एन ओ आर, जब तक आप हवलदार थे मतलब ओ आर रैंक पे थे तब तक आप एक कार ले सकते हैं, सेकेंड कार ऑन प्रमोशन एज ए जेसीओ, जैसे ही आप जेसीओ बनेंगे आप सेकेंड कार भी ले सकते हैं लेकिन 8 साल का गैप होना जरूरी है, एंड थर्ड कार आप ले सकते हैं दोस्तों आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। फर्स्ट कार आफ्टर मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस सेम है ऊपर जैसा, गैप बिटवीन परचेस ऑफ टू कार्स टू बी 8 ईयर्स फॉर विडोज, सेम का सेम दोस्तों है ये, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप विडो हैं और आपके हस्बैंड ने दो कार, एक आफ्टर रिटायरमेंट और एक वाइल इन सर्विस खरीद रखी है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने एक ही कार खरीदी थी इन सर्विस तो आप एक कार और खरीद सकते हैं, लेकिन पहली और दूसरी कार के बीच में 8 साल का गैप होना जरूरी है। ये तो सेम ही है, बस इसमें ये वाला जो सेंटेंस है वो चेंज है, जिसमें आप 3 कार खरीद सकते हैं, एक ओआर में, एक प्रमोशन होने के बाद जेसीओ रैंक पे, और दूसरी सॉरी तीसरी खरीद सकते हैं आप जैसे ही आप रिटायरमेंट होंगे, लेकिन सभी के बीच में 8 साल का गैप होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल सर्विंग रिटायर एंड विडो, ठीक है। पे लेवल 10 से 18, अगर आपका पे लेवल 10 से 18 है तो आप पेट्रोल और डीजल की जो कार है वो खरीद सकते हैं 20 लाख तक की, और इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं 25 लाख रुपए तक, ठीक। चलिए यहाँ पर आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि आप कितनी कार खरीद सकते हैं, 1 in 8 years, मतलब 8 साल में आप एक कार खरीद सकते हैं, कितनी भी खरीदें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, पे लेवल 11 से 18 फॉर सिविलियन रिटायर्ड सर्विंग एंड रिटायर्ड सिविलियन ऑफिसर्स, तो इनका भी दोस्तों सेम है, 20 लाख तक की डीजल या पेट्रोल कार, 25 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार, और 1 in 8 years, यानी कि कितनी खरीद सकते हैं, एक कार 8 साल में ये जो है वो खरीद सकते हैं, इनका कोई भी सर्विंग और रिटायर्ड से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत है रजिस्ट्रेशन में या फिर ये आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपका जो है वो ग्रोसरी कार्ड के साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ये वाली जो वीडियो है बना रखी है, इसमें फुल प्रोसेस मैंने बताया है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है। उसके बाद में दोस्तों EFD में क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो आप खरीद सकते हैं CSD के थ्रू, वो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दोस्तों जिसमें मैं आपको बताऊंगा फुल प्रोसेस, मतलब अवेलेबलिटी सर्टिफिकेट और कौन कौन से जो है वो सर्टिफिकेट लगते हैं अगर आप कार, बाइक, AC, फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जो भी खरीदना चाहते हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और उनका क्या क्या प्रोसेस होता है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।